viewers, I am back. Hey guys, hello viewers, welcome back to my channel Assam Girl Dipandita Blog. After a long time, I am going to give you some recipe video. So kaise hai aap log? Hope all our guys are well. So मैं आई हूँ, जब तो रेसिपी जरूर दूंगी. सो मैं आज आप लोग के लिए लाई हूँ बनाना लीफ में कैसे मछली को बनाता है. सो इस सिचुएशन को छोड़िए और लाइफ को मजा लीजिए और खाने में फोकस कीजिए, क्योंकि खाना ही जिंदगी है. सो आइए मैं शेयर करने जा रही हूँ. इस रेसिपी के लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट लिया है जो इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी. दो लहसुन का जरूरत है और ये है आपका जो सूखा हुआ मिर्च, इसको चाहिए चार पाँच, जितना आप लोगों को छाल खाना है, तीखा खाना है इसका, और कच्चा हुआ भी चाहिए. और ये आपको गुड़ा जो ऑलरेडी पेस्ट हुआ है, ये जीरा पाउडर है और इसको भी मैं पेस्ट करूँगी. धनिया है और ये ब्लैक पेपर सीड जो गोल मरीच बोलते हैं, और ये है मस्टर्ड सीड, इसको मैंने भिगा लिया था इसमें. तो ये सब का भी मैं पेस्ट तैयार करूँगी, दिखा रही हूँ पेस्ट में किसमें तैयार करने जा रही हूँ. इसमें मैं सब कुछ पेस्ट तैयार करूँगी. इसको मैंने दाल का ये बनाया था, अभी इसको धो के इसमें मैं पेस्ट सब कूट लूँगी, मतलब पीस लूँगी और उसका बाद दिखा रही हूँ. ये है धनिया जो इस सबको मैं अभी जो मैंने बोला था पेस्ट करूँगी धनिया. और ये है आपका जो सरसों का सीड जो एक्स्ट्रा करके एक साथ भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा करने से अच्छा है. ये है जो ब्लैक पेपर से हम लोग इसको गुल मरीच कुछ ऐसे बोलते हैं, इसको भी मैं अभी पीस लूँगी. सबको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके आप लोग को पेस्ट करना है. मिक्सर में भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका पेस्ट कुछ अलग होता है. लेकिन जिसका घर में ये नहीं है, जो हम लोग सिलकोटा बोलते हैं बंगाली में, पता नहीं हिंदी में जो बोलते हैं, इसको थोड़ा पानी देके इजी है. इसमें खाने में थोड़ा टेस्ट अलग होता है, जो मिक्सचर में जैसा नहीं होता इसमें थोड़ा अलग टेस्ट मिलता है. ये भी हो गया. हम लोगों का तो आदत है इसमें खाने का, किसी किसी को तो नहीं है, उन लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है. तो देखिए इसका जो ब्लैक पेपर सीड इसको मैंने कर लिया. सो बारीक से मैं सबका ऐसे ही करके पेस्ट कर लूँगी. लहसुन को ऐसे करके अभी मैं करूँगी, उसका बाद इसको करूँगी, और जो मिर्च है सूखा और कच्चा मिर्च को करके लास्ट में. ये जो है मछली, मैं इसका ही बात बोली थी, इसका ही मैं जो बनाना का लीफ में बनाने जा रही हूँ. सो इसके लिए मुझे फर्स्ट चाहिए हल्दी पाउडर, इसको मैंने ऐड कर दिया, करके थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लीजिएगा. और उसके बाद चाहिए जो मैंने धनिया का जो पेस्ट किया था थोड़ा पहले उसको, और उसका बाद ये जो सीड है सरसों का इसको ऐड कीजिए, उसका बाद ये लहसुन का पेस्ट, इसमें लहसुन दो देना चाहिए टेस्ट के लिए. और ये है जो मिर्चा मैंने थोड़ा पहले पेस्ट किया था, और ये है आपका जीरा, इसका भी पेस्ट देना होता है बट मैं पाउडर दे रही हूँ, बोला ही था. और ये है आपका ब्लैक पेपर सीड गुल मरीच जो बोलता है, सबको अब मैं ऐड करके लास्ट में दे दूँगी नमक स्वाद अनुसार. तो ये सबको मैं मिक्स कर लूँगी हाथों,
इसमें मैं आप ऐड करने जा रही हूँ ऑयल, सरसों का ऑयल। चार चम्मच दे दीजिएगा, बड़ा चम्मच, मीडियम चम्मच का मैंने ऐड करके। अच्छा से आपको मिक्स करना है। अब मैं देने जा रही हूँ नमक। इम्पोर्टेंट है नमक के बिना कुछ भी सब्जी हो नहीं सकता। अब तो मछली खूब मिल रहा है बारिश का वजह से, और लाके इसको ट्राई कीजिएगा, काफी टेस्ट होता है। मैंने पहले दो दिन पहले एक बार ट्राई किया, फिर अच्छा लगा, सो मैं सोचा कि आधी रेसिपी कोई देती हूँ, कम कुछ भी नहीं चाहिए, थोड़ा कम में। इसमें तेल का जो काफ़ी प्राइस हो गया, तेल आप लोग कम करके दे भी सकते हैं, तो बड़ा बात नहीं हो गया। सो देखिए पत्ता के ऊपर जो मछली का मैंने तैयार किया था उसको दे दिया, और अभी इसका फर्स्ट पत्ता में मैं ऐसे करके फोल्ड कर रही हूँ, मतलब मेरा पापा मुझे हेल्प कर रहे हैं पत्ते को ये करने के लिए, मैं वीडियो कर रही हूँ। उसका बाद सेकेंड पत्ता का ऊपर इसको रस्सी से बांध दूँगी और हो जाएगा, इतना ही। देख सकते हैं सेकेंड पत्ता में मैं देने जा रही हूँ, देखिए आप लोग इसका मतलब फोल्ड कर दिए, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर वैसा होता है उसका, बाद मतलब नहीं जलने के लिए क्योंकि फर्स्ट वाला पत्ता पूरा जब मैं पकाऊंगी जल जाता है, मतलब इसलिए इसको दो तीन पत्ता से कवर करना है। देख सकते हैं आप लोग मेरे पापा किससे कर रहे हैं इसका ऊपर और एक पत्ता दे के इसको रस्सी से बांध देंगे, देखिए और एक पत्ता से बांध दिया, हो गया। और इसको अब मैं बांध रहा है पापा, जो मुझे थोड़ा दिक्कत होता है इसलिए। और अब मैं इसमें एक तवा में इसको दे के इसको मैंने बंद कर दिया था, देखिए इसका ऊपर वाला पूरा लेयर जो पत्ता का पूरा जल जाना होता है इसलिए, अच्छा से पकाने के लिए। देखिए हो रहा है, पूरा स्टीम में दीजिए, एकदम हाई स्टीम देना चाहिए और इसको ढक देना चाहिए, देखिए ऐसा हो जाएगा। इसको मैंने फिर पलट दिया है, ये इसका ये पत्ता कैसे जल जा रहा है जो फ्राई पैन का, इसको जलने से कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसको फर्स्ट लेयर जल ही जाता है, सेकेंड लेयर भी उसका बाद ही अंदर का जो नहीं जलता है पक जाता है। देखिए मैं अभी इसको खोलने जा रही हूँ, वाओ स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है, देखिए देखते जाइए कितना मज़ेदार हुआ है। ऐसे करके धीरे धीरे करके काट के खोलना है, मेरे पापा ही खोल रहा है, मैं देख रही हूँ। हाँ इसको जो मैंने रस्सी से बांध दिया था ऐसे करके खोल लेना है, देखिए क्या मज़ा हुआ, थोड़ा भी नहीं जल के अंदर का नहीं जलता है, वाओ स्मेल इसका इतना अच्छा आ रहा है और अच्छा से पक गया, देखिए इसको इतना जो बनाना लीफ से इतना अच्छा से इतना टेस्ट हुआ ना, क्या बताऊं आप लोग को, मजा हुआ, देखिए वाह मस्त है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्ट। देखा कितना कुछ लेयर दिया, थोड़ा भी नहीं जला, मतलब सोचा था ना ये देख के जल जाएगा, क्योंकि पूरा काफी पूरा स्टीम में इसको पकाना है, और पूरा तीखा हुआ है, अच्छा है, सर्दी में खाने के लिए डायमंड से तो सब कुछ डायरेक्ट खाने को मन कर रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।